येस वी आर लाइव नाओ हेलो फ्रेंड्स दिस इज ए मैंशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न डिस्कस करेंगे आज कुछ थर्टी क्वेश्चन का सेट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडोगलॉजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र अच्छे क्वेश्चन हैं पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए महत्वपूर्ण है जुलाई दो हजार तेरह का पेपर टू है ये अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन रही होगी ज़रूर आप लोगों ने इसको डिमांड भी किया था कुछ टाइम पहले दो हजार तेरह चौदह तो चौदह तो मैं करा भी चुकी हूँ तो इसको डिस्कस करते हैं पेपर वन पेपर टू ऑब्वियसली अपने आप में ये पेपर टू है तो हेल्पफुल है ही आप लोग के लिए है ना एक बार ज्वाइन करो ये स्टार्ट कैसे नहीं हुआ अभी तक एक मिनट रुकना होटी मिनट हाँ चल रहा है ना ठीक है ठीक है ठीक है ओके रहा था कि इकतालीस मिनट में तो क्या हो गया पता नहीं देखो एक बार स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और जिनको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रही है जूम कर देते हैं हल्का सा ये देखो अगर हम बात करें पहला ही क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत सत्याकाल असल वट आर यू फील कनेक्टेड विद लाइक शेयर आप करते रहेंगे जैसे जैसे जुड़ते रहेंगे कुछ और सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं है ना जो कि मैं दिन में भी ऑलमोस्ट दे ही चुकी हूँ आपको ये बात है कि नहीं ये बता दीजिए तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं होपफुली आप सेफ होंगे और ध्यान रख रहे होंगे अपना एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए कुल मिला बात यही है स्टार्ट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन शादी में जाना है किसी को शादियों में जाते रहो इकत्तीस को एग्जाम में है, है मुझे भी जाना होता ही होगा कहीं ना कहीं रोज अरे यार थोड़ी कंसिस्टेंसी लाओ देखो एक बार अगर मैं बात करूं चले जाओ कोई बात नहीं खैर जीवन भी एक ही बार है बट बैलेंस बना लो कुछ बीच का रास्ता निकाल लो देखो एक बार पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ आज के क्वेश्चंस अच्छे हैं तो कोशिश कीजिएगा के अटेम्प्ट करें और समझें एक एक पॉइंट वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसको गार्डनर ने दिया है उसका क्रिटिक क्या है मैंने आपको बताए थे उस दिन क्रिटिसिज्म जब हम मैराथन सेशन कर रहे थे तो पहला ऑप्शन कहता है मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल मतलब ये सिर्फ मियर टैलेंट्स हैं केवल प्रतिभाएं हैं जो अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों में पाई जाती हैं ये एक बात है दूसरी एक बात अगर मैं कहूं तो दूसरा पॉइंट है मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर प्रोपेंसिटीज यानी उनका रुझान किस तरफ है ये जानने में मल्टीपल इंटेलिजेंस उनको मदद करता है कह सकते हैं फिर है इट ओवर एम्फेसाइजेस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी यह है व्यवहारिक बुद्धि पर अनावश्यक रूप से बल देता है कल एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट है आप लोगों को अच्छा लगेगा जान के कुछ सरप्राइज टाइप्स हैं तो कल की बात कल करेंगे खैर इट कैन नॉट बी सपोर्टेड बाय एविडेंस एट ऑल यानी आप इसको अनुभाविक साक्ष्यों से बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं कर सकते कोई एम्पेरिकल एविडेंस है ही नहीं मैंने आपको बताया था एट ऑल कहना गलत होगा क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंस अवेलेबल है अनुभव अनुभव जो साक्ष्य हैं ये अवेलेबल हैं बट बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है तो एट ऑल कहना गलत होगा मल्टीपल इंटेलिजेंस सिर्फ टैलेंट है इस बात पे इनकी आलोचना की गई है गार्डनर की कि ये सिर्फ टैलेंट भी तो हो सकते हैं लोगों में अलग अलग टैलेंट होते हैं उसको बुद्धि कह देना कहां तक सही है और अगर बुद्धि है तो उसको मापना आना चाहिए तो ऐसा तो कोई फॉर्मुला अवेलेबल नहीं है फिर है मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर प्रोपेंसिटीज हाँ ठीक है ये बात वो अपने जो रुझान है इस चीज़ को लेकिन ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे ओवर एम्फेसिस है ये सारे क्रिटिसिज्म नहीं है सिर्फ एक क्रिटिसिज्म है कि इनको सिर्फ टैलेंट भी तो मान सकते हैं है ना ये सिर्फ प्रतिभाएं भी तो हो सकती हैं कि ठीक है किसी इंसान को हो सकता है वो पायलट है और उसका रुझान आपका नेचर की तरफ भी हो तो टैलेंट भी कह है सकते हैं बट ये क्रिटिसिज्म है इनका आलोचना है कि इनको मियर टैलेंट कहा गया है और दूसरी आलोचना एम्पेरिकल एविडेंस पर है बट पूरी से पूरे तरीके से एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है ये कहना गलत होगा ठीक क्वेश्चन नंबर टू देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर टू कहता है देखिए इसको सेकेंड क्वेश्चन कहता है आपके सामने कौन सा एक पेयर लीस्ट लाइकली टू बी अ करेक्ट मैच मतलब सही नहीं है या फिर सबसे कम सही है हो सकता है सही हो बट इन सब में सबसे कम अप्रोप्रिएट है ये बताइए फटाफट से ध्यान से सॉल्व कीजिएगा आज के की क्वेश्चन question अच्छे हैं, जल्दी बताओ, धन्यवाद बताइए आंसर कीजिए दिख नहीं रहा क्या कर सकते हैं देखो सैनिटाइजर से साफ करो आंखें कर मत लेना ऐसा मजाक कर रही हूं देखो चिल्ड्रन एंटर इन वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज ऑफ लैंग्वेज हाँ ऐसा चॉम्सकी कहते हैं कि इनेट एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं बस उनको डेवलप करने की जरूरत है इस क्षमता को लैंग्वेज के प्रति लैंग्वेज एंड थॉट आर टू आर इनिशियली टू डिफरेंट एक्टिविटीज हाँ बिल्कुल बायोगकी कहते हैं दो पैरल चलने वाली या डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चीजें हैं विचार और भाषा शुरुआत के कुछ साल में इनिशियली दो तीन चार साल के बाद जाके मर्ज हो जाते हैं थॉट और लैंग्वेज बायोग के अनुसार लेकिन शुरुआत में इनिशियली इंडिपेंडेंट है

क्योंकि इन्होंने और बहुत सारी चीजों की बात की है सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि उद्दीपक तक ही सीमित नहीं है स्किनर कहते हैं कि लैंग्वेज लर्नड है इसको आप सीखते हैं जबकि चॉम्स कह रहे हैं इनेट है स्किनर कहते हैं कि बच्चा बोलना शुरू करता है उसको घर वाले या जो भी आसपास का माहौल है री करते हैं ग्रेजुअली वो और अच्छा करता है कि शाबाश तुतला तो के भी बोला तो भी आप उसको री कर रहे हो है ना तो ऐसे और इमिटेशन के थ्रू भी लैंग्वेज सीखता है इमिटेशन हुआ री हुआ इन सब चीजों पे ध्यान स्किनर ने दिया है इनकी एक बुक है इन्होंने लैंग्वेज लिखी है वर्बल बिहेवियर तो बात? बात तो सभी को क्लियर होगी तो डी ऑप्शन हुआ फिर है क्वेश्चन नंबर थ्री फीचर्स असाइंड ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट आर कॉल्ड यानी वो भूमिकाएं जो समाज निर्धारित करता है ना कि आपके जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई है मतलब बायोलॉजिकल फंक्शन भाई महिलाओं और पुरुषों का अलग हो सकता है, है ना महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती है पुरुष नहीं कर सकते या डिफरेंट दूसरी चीजें हुई उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हुए महिलाओं के अलग हुई बायोलॉजिकल है है ना जैविक रूप से अलग है बनावट अलग है जैविक रूप से बट सामाजिक भूमिकाएं जो हैं वो जैविक रूप से अलग नहीं है वो स्टीरियो हैं या जेंडर रोल्स हैं ठीक तो जेंडर रोल स्टीरियो है जब हम फीचर्स क्या है असाइन कर रहे हैं सोशल रोल्स के द्वारा ना कि बायोलॉजिकल एंडोमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये जेंडर भूमिका रूढ़ीबद्धता यानी जेंडर रोल टाइपिंग है आगे बढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलिंग विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू मैक्माइज लर्निंग लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक कथन सर्वाचित सॉरी सर्वाधिक उचित है बताइए दीजिए आंसर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कीजिए लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए कौन सा कथन सबसे ज्यादा उपयुक्त है पहला जो ऑप्शन है वो कहता है टीचर शुड आइडेंटिफाई अनिल कुमार टीचर शुड आइडेंटिफाई हर काग्नेटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स कागनेटिव स्टाइल कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको कराऊंगी थियरीज तो वैसे मैं करा ही चुकी हूँ रिविजन में बट फिर भी अगर कुछ कुछ चीजें होंगी वो कराऊंगी आज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्नेटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ हर स्टूडेंट्स कॉग्नेटिव स्टाइल ये बात तो सही है इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट शुड भी स्मूदर स्टूडेंट्स यानी एक जैसे बच्चों को एक साथ रखो और इंडिव्यूजल स्मूद कर दो मतलब खत्म ही कर दो इंडिविजुअुअल डिम नहीं करना होता टीचर शुड फोकस ऑन ओनली वन लर्निंग स्टाइल क्यों बाकी लोग कहां जाएंगे फिर स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड शुड भी कैप्ट इन द सेम क्लास अगेन ये अलग थलग करने वाली बात हो गई कि सेम कल्चर के हैं तो उनको एक साथ रख दो बाकी अलग रखो अलग नहीं करना इंक्लूड करना है, है ना तो लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए टीचर आइडेंटिफाई करे कॉगनेटिव स्टाइल क्या है बच्चों का कैसे वो सीखते हैं और वो कैसे सिखाती है इसलिए ए ऑप्शन यहां सही हुआ ठीक है ये बात आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए ऑल ऑफ दी फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट असेसमेंट एज लर्निंग इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को ये टॉपिक में कराऊंगी भी अलग से असेसमेंट एज लर्निंग यानी किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं यानी असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है एज लर्निंग में क्या आता है बताइए एज लर्निंग में सेल्फ असेसमेंट या फिर पीयर असेसमेंट या तो बच्चा खुद खुद को असेस करे या उसके पीयर ग्रुप वाले लोग उसको असेस करें है ना टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक अच्छा जेनरेट अ सेफ एनवायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस ये भी ठीक है बच्चा खुद को असेस कर पाएगा टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट अच्छा टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल यहां आपको तो टेस्ट करना ही नहीं है बच्चे को खुद को मौका देना है ऐसा एनवायरमेंट देना है अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि वो खुद रिफ्लेक्ट कर सके एक अच्छा एनवायरमेंट दे देना ताकि वो खुद ही असेस कर सके अपना आकलन खुद कर सके टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक से ही वो अपने अंदर से जो उनको फीडबैक मानना है अंदर से जो इंट्यूशन है उस पर फोकस करें लेकिन लगातार कोई और टेस्ट नहीं करता असेसमेंट एज लर्निंग में मतलब ये सेल्फ असेसमेंट खुद करेंगे विद्यार्थी अपना आकलन ठीक है बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ अ कुक फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी टू इस पे बड़ा बवाल रहता है इस क्वेश्चन पे कई लोग तो बेवजह ही परेशान होते रहते हैं देखते देखते हैं नहीं ध्यान से देखो वेन अ कुक टेस्ट अ फूड ड्यूरिंग कुकिंग एक बावरची खाना बनाने वाला कुक अपने ही खाने को बनाते समय टेस्ट करता है बताइए ये बात क्या होगी असेसमेंट ऑफ लर्निंग है फॉर लर्निंग है एज लर्निंग है या एंड लर्निंग है इसको तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ती अलग से असेसमेंट एंड लर्निंग दो डिफरेंट टॉपिक्स हो गए बात सही है नहीं शेयर करते रहो मुझे लग रहा है आज नोटिफिकेशन कम दूर तक पहुंचा है बताइए सब अपने मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं इसका आंसर होगा असेसमेंट एज लर्निंग ये लास्ट आई थिंक एक या दो वीडियो में मैं ये आपको डिस्कस कर चुकी हूं है ना और मैंने इसका रीजन भी बताया था और आई थिंक आपका वो सीसी का सीसी का, का एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किया होगा क्योंकि ये जो सीसी टॉपिक है सीबीएसई नहीं लागू किया है बाकी अलग से किसी किताब में बड़ा बड़ा मिलता नहीं है छोटा मोटा मिल जाए तो मिल जाए और जो इनिशियल वीडियोज हैं जो अब से शायद दो साल पुरानी वीडियोज हैं उनमें हो सकता है कि मैंने भी फॉर लर्निंग डिस्कस किया हो क्योंकि जब मैंने तैयारी या पढ़ाई की थी तो उस टाइम पे वही वही किताबें जो अभी चलती हैं मार्केट में जिनमें इतनी गलतियां हैं वही चलती थी तो अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो यू विल नो के एज लर्निंग सिंपल होगा उसका फैक्ट है और ऐसा कोई आंसर की ऑफिशियल किसी को नहीं पता दो हजार तेरह की ऑफिशियल मुझे दिखा दो किसी के पास पड़ी हुई हो तो मैं भी देख लूंगी है ना तो यह भी नहीं पता कि ऑफिशियल था या ऊपर वाला था बट ज्यादातर चांसेस हैं यही रहा होगा और अगर नहीं भी रहा होगा तो जैसे गार्डनर की थ्योरी में आठ प्रकार है एनसीआरटी के अकॉर्डिंग उसी तरीके से यह भी एक बिल्कुल क्या कहें ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पे हम चैलेंज कर सकते हैं हालांकि वो बात अलग है ये लोग मानते नहीं है बट जो सही है उसी को सही मानेंगे असेसमेंट एज लर्निंग मतलब सेल्फ और ये चीज मैंने बताई थी आपको जब लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया होगा कभी पता नहीं छह महीने पहले एक साल पहले कि पहले जो था उसको ठीक कर लेना क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो होती है उसमें अपडेटेड चीज होगी ऐसा तो नहीं है ना मैंने अगर कोई गलती की है या बचपन में कुछ सीखा है तो मैं हमेशा उसी पर अड़ी रहूं चेंज तो करना जरूरी है उसको या तो आप अपडेट ही ना करें नॉलेज को अब मेरी इतनी उम्र तो हुई नहीं कि बीस साल से सेम चीज पढ़ा पढ़ा के उसी को रिपीट करते रहे है ना यहां तो इनोवेशन जरूरी है अपडेशन जरूरी है ठीक तो सेल्फ असेसमेंट क्योंकि टेस्ट खुद किया है कुक ने उसके किसी सुपरवाइजर ने या किसी संजीव कपूर ने नहीं किया है कि वो बना रहा था डिश को और उसको असेस किया कि अच्छा तुम्हें इतने नंबर मिलेंगे अगर ऐसा होता तो ऑफ लर्निंग या फॉर लर्निंग में से कुछ हो जाता टीचर इन्वॉल्व होता है या सुपरवाइजर इन्वॉल्व होता है तब ऑफ लर्निंग और फॉर लर्निंग होते हैं यदि बच्चा खुद करे या उसके पियर ग्रुप करे तो एज लर्निंग होगा ये बात क्लियर है या नहीं है ये बता दो आज तो बहुत सारी जगह पे इंटरनेट भी नहीं चल रहा होगा कोई बात नहीं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ये भी एक क्वेश्चन आता ही है डिफरेंशियटेड इंस्ट्रक्शन विभेदी अनुदेशन या फिर डी आई कह लीजिए आप इसको अनुपरक अनुदेशन इसका क्या मतलब है देखिए एक बार मैं देखती हूँ वीडियो रुक रहा है यार हो सकता है आज को इंटरनेट का कुछ पंगा हो गया हो तो देखो एक बार फटाफट से बताओ डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है ये बताने का कष्ट आप अभी के अभी करेंगे और लाइक like शेयर भी आप अभी के अभी करेंगे जो कि आज मैंने बोला नहीं है मैं देख लेती हूं एक बार ये ठीक से चल रहा है कि नहीं मेरे ख्याल में तो ठीक ही से चल रहा है ठीक है बात या नहीं देखो एक बार अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज यूजिंग अ ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स हाँ कह सकते हैं अलग अलग हर बच्चे के लिए करना नहीं वो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान होता है डिसऑर्डरली

ग्रुप बना करके नीट को फुलफिल करने के लिए तरीके अपना सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन नंबर एट देखिए इन अ कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम बिफोर डिसाइडिंग वेदर अ स्टूडेंट कम्स अंडर स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी अ टीचर शुड यानी एक कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम यानी अलग अलग संस्कृति और अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे हैं एक कक्षा में इस स्थिति में किसी बच्चे को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है या उसको कैटेगरी में डालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे ये पूछा है हमसे या एक टीचर को क्या करना चाहिए पहला ऑप्शन है नॉट इन्वॉल्व पेरेंट्स एज पेरेंट्स हैव देयर ओन वर्क माता पिता को इन्वॉल्व ही नहीं करोगे क्योंकि उनके पास अपने काम हैं तो फिर बच्चे की क्या जरूरत थी अपने काम ही कर लेते वो जब बच्चे लाए हैं वो दुनिया में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप का कोई रोल ही नहीं होगा इसमें इवेल्युएट क्योंकि जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनता है उसमें पेरेंट्स को भी आप शामिल करते हो ऐसा नहीं है ना फिर पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती अगर स्कूल में पेरेंट्स uh, का कोई रोल ही नहीं होता तो इवेल्युएट स्टूडेंट ऑन हर और हिज मदर लैंग्वेज टू एस्टेब्लिश डिसेबिलिटी कह सकते हैं कि उसकी मातृभाषा का प्रयोग करके उससे डिस्कशन कर सकते हो यदि उसको कोई दिक्कत है या नहीं क्योंकि मातृभाषा में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा ठीक है यूज स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट्स पहले ही स्पेशलाइज साइकोलॉजिस्ट आप यूज करोगे पहले खुद भी तो आइडेंटिफाई करोगे जरूरी थोड़ी आपके पास साइकोलॉजिस्ट तैयार बैठा होगा है ना हर स्कूल में तो वैसे पॉसिबल नहीं है बेशक आजकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के कोर्सेज हैं ये हैं वो हैं सेग्रीगेट तो करना ही नहीं होता तो आंसर सिर्फ बी ही बचता है हमारे पास जो आप जानते हैं आप इसलिए तो बढ़ रहे हैं ये चीज़ें बेसिक तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे बाद में आप साइकोलॉजिस्ट को चेक करा लीजिए जो भी करना है करा लीजिए है ना ठीक है बात ये या कोई समस्या है इस बात को समझने में तो बी ऑप्शन सही हुआ क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी लर्निंग डिसेबिलिटीज लर्निंग डिसेबिलिटीज में अकर ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट यानी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो हो सकती हैं किसी एक कारण को छोड़ के या लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण कौन सा नहीं है ये पूछा है हमसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिखा हो लीस्ट लिखा हो नॉट लिखा हो बहुत ध्यान से वो क्वेश्चंस करने होते हैं नहीं तो एक नंबर जाने का खतरा रहता है पूरा पूरा देखो लर्निंग िटीज किसके वजह से नहीं हो सकती एक्सेप्ट लिखा है टीचर्स वे ऑफ टीचिंग यानी टीचर के पढ़ाने की शैली की वजह से पेरेंटल यूज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन पेरेंटलोहल्ट होता है दिमागी बुखार हो जाना उससे भी लर्निंग डिसेबिलिटी पॉसिबल है बट टीचर के पढ़ाने से आज तक किसी को डिसेबिलिटी हुई है क्या कि मतलब पढ़ाने के तरीके से लर्निंग डिसेबिलिटी डिसलेक्सिया हो गया हो क्योंकि टीचर ए को ऐसे लिखता था नहीं तो टीचर के वे ऑफ लर्निंग से कोई का पॉइंट ही नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल वगैरह का यूज करना दिमागी बुखार आ जाए बचपन में ही डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है तो डेवलपमेंट के समय चार पांच साल तक अगर कुछ ऐसी दिक्कत हो जाती है इसलिए उसको सेंसिटिव भी कहते हैं एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल दी फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सेप्ट एक समावेशी विद्यालय जो है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों का मनन करता है यानी किसके अतिरिक्त एक्सेप्ट वॉट एक्सेप्ट वॉट बताइए फटाफट से आंसर कीजिए तभी जाकर के हम आगे बढ़ेंगे जल्दी बताओ जल्दी डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न इस बात में तो बिल्कुल विश्वास रखेगा कि सब बच्चे सीख सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही है सबको इंक्लूड करके चलना फिर है डू वी वर्क इन टीम्स टू प्लान एंड डिलीवर लर्निंग एनेबलिंग एनवायरमेंट्स हाँ ग्रुप में सिखा सकते हो जिससे बच्चा एक सहयोग भी फील करे फिर है डू वी प्रॉपरली सेग्रीगेट स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर यानी सेग्रीगेट करें हम बच्चों को अच्छी केयर के लिए सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर डू वी अडॉप्ट स्ट्रेटेजी केटरिंग टू द डाइवर्स नीड्स ये भी सही बात है बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग चीजों को करना तो सी ऑप्शन गलत है क्यों गलत है क्योंकि उसको अलग थलग करके और तब आप एजुकेशन देंगे ये गलत है सभी के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये एजुकेशन फॉर ऑल इन स्कूल्स फॉर ऑल मतलब सभी स्कूलों में सभी के लिए शिक्षा एक साथ डाइवर्स नीड्स को केटर करते हुए अलग थलग करके नहीं तो यही गलत है और यही पूछा था गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर यानी प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थी हैं वो कन्वर्जेंट थिंकर्स हैं डाइवर्जेंट थिंकर्स हैं एक्सट्रोवर्ट हैं या वेरी हार्ड वर्किंग बताइए फटाफट से बताओ जल्दी बताओ देखो गिफ्टेड स्टूडेंट्स में डायवर्जेंट थिंकर होंगे ये बिल्कुल पक्की बात है ठीक है गिफ्टेड स्टूडेंट्स का गुण है ये कि आप सारी चिंतक होंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है है ना और डायवर्जेंट थिंकिंग क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई होती है और ऑब्वियस है कि के ज्यादातर केस में गिफ्टेड है तो किसी ना किसी क्षेत्र में हो सकता है कि वो क्रिएटिव भी हो बहुत बड़ा अंतर नहीं ऐसा रिलेशन नहीं है बट पॉसिबिलिटी इज देयर ठीक आगे बढ़ेंगे ये बहुत ही ये एक प्यारा सा क्वेश्चन है देखिए इसको क्वेश्चन कहता है द शेडेड एरिया द शेडेड एरिया यानी शेडेड एरिया मतलब ये वाला एरिया जो शेडेड है रिप्रेजेंट स्ट्रेंट एना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एनपीसी जिसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ठीक है जिसमें मैंने आपको बना के भी बताया था एक दिन कि ऐसे बना बेल कर्व भी कहते हैं उसको बेल शेप होती है यहाँ बीच में आप ज़ीरो ले सकते हैं या हंड्रेड ले सकते हैं ये एक सौ दस एक सौ बीस एक सौ तीस है ना इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन वन सॉरी इसको तो ज़ीरो ही रखेंगे वन टू और थ्री इधर माइनस में लग जाएगा तो जिसमें ये तीनों चीजें मोटिवेशन भी हाई है क्रिएटिविटी भी हाई है इंटेलिजेंस भी हाई है ये तो वैसे भी रेंजोली कहते ही हैं कि गिफ्टेड होगा गिफ्टेड होगा तो यहाँ सिग्मा थ्री के बाद होगा स्टैंडर्ड डिविजन थ्री के बाद होगा कहीं तो आफ्टर थ्री आएगा सिंपल है इसमें क्या घबराना है? है इसमें घबराना क्या था भाई जिसमें ये तीनों क्षमताएं हैं वो तो वैसे भी गिफ्टेड है और गिफ्टेड है तो बिल्कुल थ्री सिग्मा के बाद ही आएगा सबसे हाई आईक्यू होगा ना सिंपल बात है आगे बढ़ेंगे फॉलोइंग पेयर अगर यहाँ पर ऐसा होता कि कुछ भी नहीं होता तो जीरो कह देते हम टू और थ्री के बीच में होता तो सिर्फ दो चीजें होती ठीक है इसके और इसके बीच में होता तो सिर्फ एक चीज होती जो कॉमन थी यार ऐसे आपसे मजे नहीं लेगा पेपर में देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो Which one of the following pair would be most appropriate choice to complete the following sentence? Children dash faster when they are involved in the activities that seem to be dash। यानी yani, बच्चे जल्दी सीखते हैं जब बताइए कब जल्दी सीखेंगे बताइए कब जल्दी सीखेंगे बच्चे जब वो अपनी मर्जी से सीखेंगे भूलते हैं नहीं 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 जल्दी भूलते हैं रिकॉल फास्ट करते हैं ये हमारा उद्देश्य नहीं होता मेमोराइज कराना नहीं लर्न कराना बच्चे लर्न फास्टर वैन दे एक्टिविटीज विच इज यूजफुल इन रियल लाइफ बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उनके लिए उपयोगी होती हैं तो वे जल्दी सीखते हैं यानी डी ऑप्शन सही है इसमें कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पर आज के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। सीबीएसई प्रेस्क्राइब देखो इस टाइम पर ना मॉक वॉक के चक्कर में मत पड़ना जितना हो सके रिविजन करो और ये मत सोचो क्या छूट गया क्या रह गया दबा के रिविजन करो और करते रहो जो जो सीखने को जहां से जो मिले पढ़ते रहो सीबीएसई एस ग्रुप एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स इन प्लेस ऑफ एक्टिविटीज फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स द आइडिया बिहाइंड डूइंग सो कुड बी यानी सीबीएसई प्रेस्क्राइब करता है कि हम बच्चों को ग्रुप लर्निंग कराएं जो वेगॉस भी कहते हैं यानी कोऑपरेटिव लर्निंग यानी ग्रुप में बच्चा सीखे एक दूसरे के साथ सहयोग करके कोऑपरेशन कोलेबोरेशन इन सब की की बात करते हैं वो तो जगह में बच्चा सीखे इसका रीजन क्या होगा बताइए इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन या फिर खुद पढ़ो इजी बनाने के लिए टीचर्स को आसानी हो जाएगी टीचर्स की आसानी टीचर्स को आराम पे हम कभी नहीं जाते टीचर्स को जो ऑप्शन आराम देगा वो हमारा अच्छा ऑप्शन हो जरूरी नहीं है फिर है टू रैशनलाइज द टाइम अवेलेबल विद स्कूल मोस्ट ऑफ विच डू नॉट हैव इनफ टाइम ये भी हमारा कोई इशू नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बचाने के लिए नहीं हमारा मेन मुद्दा होता है बच्चे का क्या फायदा है इस चीज में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन फोकस इस बात पर करेगी जिस ऑप्शन में बच्चे की तरफ झुकाव हो वो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है तो टू ओवरकम नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन कि अकेले अकेले सब भागते रहे मैं तुझसे आगे तू मुझसे आगे और यही खेल चल रहा है जीवन भर तो क्या कभी सुकून मिल पाएगा ऐसे व्यक्तियों को कभी नहीं मिल सकता कुछ देर जब फर्स्ट पे होंगे तो खुश होंगे जैसे ही सेकेंड पे आएंगे तो रोने लग जाएंगे जैसे जीवन खत्म हो गया हो है ना तो इस चीज को हटाने के लिए एक दूसरे के साथ कोलैब करके ग्रुप में सीख पाए इसलिए सीबीएसई फोकस करता है ग्रुप लर्निंग पे ठीक है कि नेगेटिव इमोशनल कॉम्पिटिशन ना आए फिर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन भी सीख पाए सिर्फ कॉम्पिटिशन में ही ना भागते रहे फिर है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द कॉन्क्लूजन चिल्ड्रन कैन लर्न वॉयेंट बिहेवियर डायपेक्टेड इन मूवीज ये कुछ थीरीज है जैसे बेन्यूरा है मैं एक दिन कराऊंगी इनको भी रिवाइज करेंगे वैसे करा तो चुकी हूं बट फिर भी रिवाइज करेंगे देखो चिल्ड्रन कैन लर्न वॉयेंट बिहेवियर डेपेक्टेड इन मूवीज बच्चे जो है वो फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं मूवीज देख करके फिल्म देख करके ये बात कौन कहेगा कौन सा व्यक्ति अपनी थियोरी में कौन सा साइकोलॉजिस्ट इस बात के साथ सहमत होगा किसने इस बारे में बात की है तो एल्बर्ट बेंड्यूरा इसका एकमात्र उत्तर है एल्बर्ट बेंड्यूरा कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग के बारे में यानी अवलोकनात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करके सीखना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं जो देखते हैं वो सीख जाते हैं दूसरा सोशल लर्निंग थियोरी जिसको एस भी कह देते हैं मतलब बच्चा समाज में जो देखता है या करता है वो सीखता है ठीक और मॉडलिंग की प्रक्रिया है इसमें कि पहले अटेंशन रिटेंशन री इन्फोर्समेंट रिप्रोडक्शन और री ये चार स्टेप्स होते हैं बेंड्यूरा ही हैं जो कहते हैं कि भाई हम देखते हैं ना मूवीज़ में अट्ठारह साल का एक वो है कि अडल्ट मूवीज हैं ये बच्चों के लिए हैं कार्टून्स मतलब एज के लिए हमने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है क्यों क्योंकि अगर एक आ, क्या कहें फ्रेजाइल उम्र में या एक ऐसी उम्र में जो सेंसिटिव है बच्चा अगर कुछ गलत देखेगा जो उसकी उम्र के लिए गलत है जिसमें आक्रामकता है जिसमें अग्रेशन है तो क्या होगा वो बिल्कुल सीख जाएगा उस चीज को देख करके ये बात निश्चित है जैसे कोई तेरह साल का बच्चा कबीर सिंह सीख देखता है मूवी तो ऑब्वियस है कि उसके दिमाग पर गलत असर पड़ेगा इमोशनली भी फिजिकली भी है ना तो ऑब्जर्वेशन मतलब हम क्या दिखा रहे हैं बच्चों को किस माहौल में वो रह रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा बेंडूरा कहेंगे आई एम नॉट सेइंग दिस ठीक एल्बर्ट बेंडूरा और ये फैक्ट भी है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में कॉल्ड यानी शिक्षार्थी फैशन शो देखते हैं और मॉडल जैसे चलते हैं रहते हैं वो इमिटेट करने की उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं कौन सी थियोरी है ये अभी अभी हमने डिस्कस की है यार लाइक शेयर करो आज एनर्जी इतनी कम कैसे आप लोगों की है दूसरी बार बोल रहे हो तीन बार से ज्यादा नहीं बोलूंगी अब एक वीडियो में मैं सोच चुकी हूं बहुत बढ़िया ये प्राइमरी सेकेंडरी सिमुलेशन कुछ नहीं है ये सोशल लर्निंग थ्योरी है कि जो बच्चे उन्हें देखा मॉडल्स को करते हुए वो उसी का अनुकरण कर रहे हैं तो बेंडूरा की थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियोरी बोवोडॉल बो एक्सपेरिमेंट हुआ था है ना इसको रिवाइज करा देंगे देखिए इफ स्टूडेंट्स रेपिटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग अ लेसन आर टीचर शुड यदि बच्चे जो हैं वो लगातार गलतियां करते हैं एक लेसन के दौरान तो टीचर को क्या करना चाहिए ये पूछा है हमसे तो पहला ऑप्शन है कि चेंज करना चाहिए इंस्ट्रक्शन में टाइम टेबल में सिटिंग अरेंजमेंट में परिवर्तन लाने की जरूरत है कह सकते हैं लीव द लेसन फॉर टाइम बींग एंड कम बैक टू इट आफ्टर सम टाइम मतलब उस लेसन को छोड़ दो हो सकता है आगे वाले लेसन पे आ, पीछे वाले से कुछ संबंधित चीज हो तो छोड़ नहीं सकते आप ऐसे फिर है आइडेंटिफाई द एरिंग स्टूडेंट्स एंड टॉक टू प्रिंसिपल अबाउट देम देखो बच्चे दुष्ट नहीं होते एरिंग का मतलब ये दुष्टता ठीक है जो गलतियां करते रहते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत ज्यादा बच्चे गलतियां कर रहे हैं ना कुछ बच्चे नहीं है मेक एरिंग स्टूडेंट्स स्टैंड आउटसाइड द क्लास गलती करना कोई पाप तो है नहीं ठीक आप छोड़ नहीं सकते सबसे बेहतर रहेगा आप चेंजेस कीजिए जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो तरीके में परिवर्तन करो हो सकता है दूसरे एग्जाम्पल से दूसरे तरीके से दूसरी एक्टिविटी से समझ में आ जाए बच्चे को है ना आपके तरीके में गड़बड़ हो सकती है इसलिए ए ऑप्शन फिर है फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन भाई आप सभी को भी आप रोज बोलते हो ना कमेंट कर करके डर लग रहा है डर लग रहा है जैसे पता नहीं भूत आने वाला हो इकतीस को है तो कौन सी एक टेक्निक नहीं है एक्सेप्ट लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम की एंग्जाइटी को कम करने की सबको डर लगता है है ना एंग्जाइटी होती है कई लोगों को कौन सा एक तरीका सही नहीं है तो यहां पे तीन तरीके हैं और एक नहीं है फेमिलराइजिंग द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर ये बात मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस की है कि भाई पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना तीस मिनट में तीस क्वेश्चन करना पांच आपके सब्जेक्ट होंगे उसमें तीस तीस मिनट में कर लेना पहले सी डी पी कर लेना उसमें फिर ग्रामर नहीं आती है बेकार में ग्रामर पर टाइम वेस्ट मत करना ताकि हम पैटर्न समझ रहे हैं कि पेपर आता ऐसे है डेढ़ सौ नंबर का पेपर है पांच सब्जेक्ट है ढाई घंटा है उसके हिसाब से हम मैनेज करेंगे ये अच्छी बात है अगर आपको अच्छे से पता होगा भाई जिन रास्तों पर आप चल चुके हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं सब कुछ तैयारी के साथ जा रहे हैं फिर डर कम लगेगा एंगजाइटी कम होगी ये अच्छा तरीका हुआ थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट ये तो उल्टा हो जाएगा ना ये तो एंगजाइटी का कारण है ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है तो एक्सेप्ट पूछा था किसको को छोड़कर तो इसी को छोड़कर के बहुत ज्यादा जब आप रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो गड़बड़ होती है तो बहुत ज्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चुपचाप से पेपर देके आना है पांच दिन में वैसे भी कुछ परिवर्तन नहीं हो जाएगा अब तो जो होगा होगा ही वो बोला जाता है ना ओखली में सर दिया है तो मतलब फिर तो क्या ही कर सकते हो ठीक है अब तो जो होगा नट बनेंगे आपके सीकिंग सपोर्ट ये एकदम सही बात है आप सपोर्ट किसी से बात कर सकते हो किसी दोस्त से बात कर सकते हो जिसने कुछ किया हो उससे बात कर सकते हो एम्साइजिंग स्ट्रेंथ्स अपनी स्ट्रेंथ्स को भाई सीडीपी मेरी अच्छी है इंग्लिश मेरी अच्छी है हिंदी मेरी अच्छी है ईवीएस मेरा अच्छा है मैंने तैयारी की है तो ठीक है कुछ नहीं होगा तो जो भी होगा दिमाग तो लगेगा मैंने तैयारी तो की है अपना दिमाग लगाएंगे तो स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना तो एक अच्छी बात है इससे एंजाइटी कम होगी लेकिन बी ऑप्शन से एंजाइटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी अगर आप बहुत ज्यादा ये सोच रहे हैं कि एक आएंगे कि नहीं एक आएंगे कि नहीं है ना वैसे कल कुछ स्पेशल अनाउंस करती हूँ मैं ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज अरिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है वो किस कैसी पदानुक्रमिक व्यवस्था है किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है हायरकी में बताइए एक बार फटाफट से बताइए जल्दी से आंसर कीजिए बताइए अच्छा ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है वो किसका हायरिकल रिप्रेजेंटेशन है आपने देखा होगा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मैंने डिस्कस किए हैं कॉग्नेटिव ऑब्जेक्टिव्स कैप से आपको बताया हुआ है सी फॉर कॉग्नेटिव ए फॉर अफेक्टिव इमोशन से रिलेटेड और पी फॉर साइकोमोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड तो इसमें से कॉग्नेटिव ऑब्जेक्टिव ही दिए हुए हैं अफेक्टिव और साइकोमोटर कहीं दिए नहीं हुए अचीवमेंट करिकुलर रीडिंग इन सबकी बात ब्लूम ने नहीं की है ठीक है आगे बढ़ेंगे ट्वेंटी क्वेश्चन देखिए ए बी एंड सी आर थ्री स्टूडेंट्स स्टडी इंग्लिश तीन बच्चे हैं एक का नाम है ए दूसरे का नाम है बी तीसरे का नाम है सी तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं इंग्लिश ए फाइंड इट इंटरेस्टिंग एंड थिंक्स इट विल बी हेल्पफुल फॉर हर इन फ्यूचर ए तो इसलिए इंग्लिश पढ़ रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा फ्यूचर में और मुझे मजा आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में बड़ी बड़ी अच्छी बात है बी पढ़ रहे हैं बी स्टडीज इंग्लिश एज शी वॉन्ट्स टू सिक्योर फर्स्ट रैंक मुझे तो फर्स्ट आना है इसलिए पढ़ रही हूं मैं तो सी है सी स्टडीज इट एज शी इज हैीमली कंसर्न टू सिक्योर पासिंग ग्रेड उसको बस पास होना है किसी तरीके से आप में से भी होंगे कई लोग ऐसे कई लोगों को मजा आ रहा होगा है ना इसलिए पढ़ रहे हैं कई लोगों को फर्स्ट आना है मेरे को तो आज तक का रिकॉर्ड तोड़ना है ये दूसरा बी हुआ तीसरा क्या है कि उसको किसी तरीके से पास हो जाना है जैसे भी हो बस नब्बे नंबर आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है अब देखो इन तीनों किस कैटेगरी में आएंगे देखो एक बार ऐसे खाना वाना नहीं खाया है देखिए मास्टरी परफॉर्मेंस पहले वाला तो पक्का मास्टरी पे है क्योंकि उसको मतलब नहीं है उसको लग रहा है मेरे को लाइफ में हेल्प करेगा और सीखने में मजा आ रहा है बिल्कुल ठीक बात बात है है परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ये भी बात सही है। दूसरे वाला परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहा है कि फर्स्ट आना है और ये परफॉर्मेंस नहीं नहीं फेलियर अवॉइडेंस होगा यहां परफॉर्मेंस अवॉइडेंस नहीं होगा हो तो ये भी इसलिए गलत हो गया गलत है एक मिनट रुको पहला है मास्टरी हाँ ठीक है फेलियर अवॉइडेंस क्यों नहीं लिखा उन्होंने फेलियर अवॉइडेंस लिखना था यहाँ पे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको परफॉर्मेंस अवॉइडेंस भी कह सकते हैं कि उसको परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है बस पास होना है किसी तरीके से है ना तो पहला व्यक्ति तो मास्टरी ओरिएंटेशन ये मोटिवेशन की तीन ओरिएंटेशन होती हैं कि क्यों कर रहे हो आप कैसे कर रहे हो देखो तीनों चीज़ें हैं मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे तीन चीज़ें हैं एक है मास्टरी ओरिएंटेशन जो सबसे बेहतर माना जाता है भाई मुझे साइकोलॉजी पढ़ने में मजा आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ा पड़ता कौन मुझे नंबर देगा और इतना मुझे आता है कि आप डी प्लस बी के लिए पढ़े या किसी के भी लिए मैं पैटोलॉजी पढ़ा दूंगी बट मुझे मजा आता है किताबें पढ़ने में तो ये हुआ मास्ट्री ओरिएंटेशन मुझे मजा आता है मुझे सीखना है उस चीज़ के बारे में कंप्लीटली सीखना है मास्टर बनना है उस चीज में दिस इज मास्ट्री ओरिएंटेशन और ये बेहतर है जो ए वाली बच्ची है वो इसीलिए कर रही है क्योंकि उसको इंटरेस्टिंग लग रही है इंग्लिश और उसको लग रहा है लाइफ में कहीं तो मदद मिलेगी दूसरी एक चीज होती है परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन होती है भाई मुझे फर्स्ट आना है परफॉर्मेंस चाहिए परफॉर्म करना है इसलिए ये चीज़ कर रहे हैं हम ये हुआ बी नाइन्टी परसेंट स्कोर करना है मान लीजिए ठीक आजकल तो 90 भी कम हो गया है फिर है थर्ड ये परफॉर्मेंस अवॉइडेंस या फेलियर अवॉइडेंस कहते हैं ऐसे व्यक्ति को फेलियर अवॉइडेंस इसकी जो ओरिएंटेशन है इसका जो रीजन है काम करने का वो ये है कि इसको फेलियर से बचना है बस पास हो जाए किसी तरह से ताकि डंडे ना पड़े ठीक है तो ए इस कैटेगरी में बी इसमें है और सी इसमें फेलियर अवॉइडेंस को परफॉर्मेंस अवॉइडेंस कह सकते हैं हम कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पेपर उसी चीज पे फोकस कर रहा है ना यहाँ मास्टरी परफॉर्मेंस अवॉइडेंस नहीं नहीं सेकंड वाला परफॉर्मेंस अवॉइडेंस नहीं है तो इसलिए आंसर यही है मास्टरी ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें आगे बढ़ेंगे ए ऑप्शन सही है ये तीन ओरिएंटेशन होते हैं कि आप किस लिए कुछ कर रहे हैं ट्वेंटी क्वेश्चन देखिए अभी नौ क्वेश्चन और हैं आपके ये अपनी मर्जी से क्यों चलता है मेरी मर्जी से चल लिया कर भाई इतने लोग देख रहे हैं यहाँ बेजुति क्यों कराते रहते हो जब देखो इवन दो दिस वॉज क्लियरली इन वायलेशन ऑफ हिस्स सेफ्टी नीड्स यानी कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताएं। अब जब हम मैस्लो को कर रहे थे तो मैंने थर्ड फोर्थ लेवल पे फोर्थ लेवल पे आपको बताया था थर्ड लेवल पे सेफ्टी नीड्स के हम चाहते हैं कि हम सेफ रहें, एटलीस्ट जिंदा तो रहना हमारी बेसिक नीड है ना तो सेफ्टी नीड्स के अगेंस्ट था बट स्टिल विक्रम बत्रा डाइड फाइटिंग इन दी कारगिल वॉर लेकिन वो उन्होंने जान भी दे दी अपनी देश को बचाने के लिए तो उन्होंने क्या अचीव कर लिया होगा भाई चाहते तो वो बच सकते थे ना मतलब अगर उनको नहीं करना था अपना काम तो पूरा क्या कहोगे इसको अचीव्ड सेल्फ एक्चुलाइजेशन भाई उनको पता था मैं इसी चीज के लिए बना हूं और इस अगर नहीं करूंगा इसको ठीक से तब भी जीके भी क्या ही होगा तो मतलब एक बड़ी पॉपुलेशन के अच्छे के लिए खुद का एकदम हाईएस्ट जो पो, पोटेंशियल था वो उन्होंने रियलाइज किया कि मैं आई एम मेड फॉर दिस ठीक है तो बी ऑप्शन आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लिया था ऐसा नहीं है कि उनको कोई नोवल एक्सपीरियंस प्राप्त करना था अरे बड़ा मजा आता है मर के तो ऐसा थोड़ी है कि ये कोई एडवेंचर राइड थोड़ी है कि करके आ गए झूले पर थोड़ी झूलना था इग्नोर्ड हिज बिलोंगिंगनेस नीड्स बिलोंगिंगनेस नीड्स होती है कि आप फैमिली है आपकी और आप फ्रेंड्स हैं वही लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स तो यहां ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि अपने घर वालों को इग्नोर करके और मरने चले गए ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी वॉन्टेड टू अर्न अ गुड नेम टू हिज फैमिली मतलब ये क्या पॉइंट है ये बिल्कुल ही बकवास पॉइंट है नाम के लिए आप मरिए किसी को जिंदगी थोड़ी देता है अपनी कोई यानी किसी एक response का किसी एक प्रतिक्रिया का विलोपन किस चीज के बाद मुश्किल है कराएंगे पैसेज किस चीज के बाद मुश्किल है पार्शियल री के बाद कॉन्टिन्यूस री के बाद पनिशमेंट के बाद मतलब खत्म नहीं होगा खत्म नहीं होगी कोई चीज देखो कंटिन्यूस देते रहोगे तो फिर दो एक टाइम के बाद उसको फर्क नहीं पड़ेगा विलोपन एक्सटिंक्शन किसी रिस्पॉन्स का बहुत मुश्किल है यदि पार्शियल री एनफोर्समेंट यदि मिलता रहेगा तो रिस्पॉन्स आता रहेगा क्या पता ट्राई कर लेते हैं क्या पता हाँ कह ही दे कोई है ना मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी एनकरेज बाय मास्टरी ओरिएंटेशन अभी हमने समझा था ना मास्टरी मतलब जिसको उस पर नॉलेज या उस पर पकड़ करनी है मास्टरी करनी है पारंगत होना है किसी चीज में किस चीज पे फोकस करेगा इंडिविजुअल एफर्ट पे कंपेयर करने पे एक दूसरे से प्रैक्टिस मटेरियल देने पे या फिर अनएक्सपेक्टेड टेस्ट लेने पे ऑब्वियस है लर्निंग पे फोकस होगा अगर मास्टरी चाहिए तो इंडिविजुअल एफर्ट मैटर करते हैं बच्चा किस पे फोकस करे शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान दे इंडिविजुअल एफर्ट पे फोकस करे कि वो सीखे तो मास्टरी ओरिएंटेशन इस पर फोकस करेगा कंपेयर करने से नहीं चलेगा क्वेश्चन ट्वेंटी फोर देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की वजह से होता है ज्यादातर फिजिकल डेवलपमेंट का झुकाव ज्यादातर एनवायरमेंट की वजह से है या हेरिडिटी खुद सोच लेना कॉग्नेटिव का मैचोशन सोशल डेवलपमेंट का एनवायरमेंट इमोशनल का मैचुरेशन कौन सा एक सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है कौन सी बात सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये बता दीजिए फटाफट से कोई कह रहा है ए फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसका ज्यादातर जो संबंध है वो हेरिडिटी से है जो स्ट्रक्चर है आपका हाइट है इस तरीके की चीज़ें और इसमें एनवायरनमेंट का भी पूरा रोल है बट सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं लिख सकते उसी तरीके से कॉग्नेटिव में भी सिर्फ मैचुरेशन नहीं लिख सकते समाज संस्कृति जिसमें बायगॉस की कह रहे हैं प्याजे एक्टिविटी कह रहे हैं हेरिडिटी का भी रोल है तो एक ही चीज को नहीं लिख सकते लेकिन हाँ सोशल डेवलपमेंट का एनवायरमेंट पे एनवायरमेंट का सोशल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा रोल है इमोशनल डेवलपमेंट सिर्फ मैचुरेशन से नहीं आता इसके लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास का टोटल जो श्रेय है वो वातावरण को जाता है यदि आपने माहौल अच्छा दिया है तो एक इंट्रोवर्ट बच्चा भी बेहतर कर सकता है वो भी थोड़ा सा खुल के सामने आ सकता है यदि एनवायरमेंट अच्छा मिले क्योंकि सामाजिक विकास एनवायरमेंट में ही तो है समाज कहाँ है एनवायरमेंट में है तो विक, विकसित भी वहीं से होगा सी ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑल द फॉलोइंग फैक्ट इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन अ क्लास एक्सेप्ट कौन सा किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा इमोशनली एकदम फिट है और सोशली भी फिट है कौन सी चीज को छोड़कर यानी नॉट कौन सी एक बात इस बारे में सही नहीं है ये बता दीजिए फटाफट से आप लोग कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन मैनेज बोथ एंगर एंड जॉय इफेक्टिवली ये तो सही बात है ना इसने नॉट पूछा है कि कौन सी एक चीज किसको छोड़कर सोशली और इमोशनली फिट है बच्चा तो छोड़ोगे ना इसको तो ये तो सही बात है इसको तो इसको छोड़ थोड़ी सकते हैं ये तो रीजन है सही होने का ये तो बता रहा है कि हाँ फिट है अगर अपने गुस्से को और खुशी को दोनों को मैनेज कर लेता है तो फिर है डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पियर्स दूसरों के साथ जो पियर ग्रुप है उनके साथ ठीक ठाक संबंध है मरा नहीं रहता हर टाइम कॉम्पिटिशन में फिर है कॉन्सेंट्रेट ऑन एंड परसिस्ट विद चैलेंजिंग टास्क मतलब कॉन्सेंट्रेट करता है चीजों पे और जो चुनौतीपूर्ण टास्क है उन पर भी लगा रहता है ये भी इमोशनली हेल्दी होने की निशानी है है कॉन्सेंट्रेट परसिस्टेंटली ऑन कॉम्पिटिशन विद पियर्स ये सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर और टीचर्स में भी ये चीज खूब चलती है एजुकेशन सिस्टम और बच्चों को तो छोड़ दीजिए आप यूट्यूब पर देख लीजिए एक दूसरे का सर फोड़ने को तैयार रहते हैं इंस्टीट्यूट से लेकर और टीचर्स से लेकर पता नहीं कौन सी रेस में भाग रहे हैं जैसे है ना तो और सब अपने आप को बेस्ट बताएंगे इनसे ऊपर कुछ है ही नहीं बड़ी समस्या है तो कह सकते हैं कि वो व्यक्ति इमोशनली हेल्दी नहीं मानेंगे ऐसे व्यक्ति को या सोशली फिट नहीं मानेंगे जो एक दूसरे के साथ अपने हुम, हम उम्र लोगों के साथ सिर्फ सिर्फ में ही लगा रहता हूं। सिर्फ लगा रहता परसिस्टेंटली डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड यानी इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट एनवायरमेंट की इंपॉर्टेंस को महत्व देता है बच्चे के डेवलपमेंट में एनवायरमेंट को महत्व देगा पढ़ो एक बार पट्टाफट से पढ़ो तब जाकर के आगे बढ़ेंगे बताइए को रिलेशन बिटवीन आईक्यूज ऑफ आइडेंटिकल ट्वेंट रेज इन डिफरेंट होम्स इज एज हाई एज जीरो पॉइंट सेवन फाइव इज दिस एनवायरमेंट सम स्टूडेंट क्विकली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वाइल अदर्स इन द सेम क्लास डू नॉट देर हैज बीना स्टडी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स एवरेज परफॉर्मेंस एंड ऑन आईक्यू टेस्ट इन लास्ट फ्यू डेकेड ये बात सही है आपकी ये फ्लीन इफेक्ट भी कहते हैं इसको एक व्यक्ति फ्लीन बेसिकली फील इफेक्ट का मतलब है कि हर दस साल में हर दशक में लोगों का जो आईक्यू है जैसे हम कहते हैं ना नई जनरेशन पुरानी से बेहतर है बेहतर है कैसे बेहतर है क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं एजुकेशन बेहतर हो रही है न्यूट्रिशन अच्छा हो रहा है तो कह सकते हैं कि एवरेज आईक्यू हर दस साल में आगे चला जाता है तो ये एक बेसिक बात है ये तो हेरिडिटी का रोल है ना इसमें तो क्योंकि अभी भी इतना कोरिलेशन है जीरो का तो मतलब हेरिडिटी की वजह से है ना तो खास अंतर तो आया नहीं मॉरली गुड होते हैं फिजिकली फिट चिल्ड्रन ऐसा कोई भी वो नहीं है हो सकता है इतने तगड़े लोग हैं हट्टे कट्टे और बिल्कुल मॉरल मॉरलिटी जीरो है देखिए सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड जो सामाजिकरण है वो क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर ये बताइए सामाजिकरण समाज में रहने के कुछ तौर तरीके नियम कायदे कानून होते हैं उसी को हम सामाजिकरण कह रहे हैं बताइए डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हाँ कह सकते हैं ियन को ड्रबेलियन को डिस्करेज करना निरोत्साहित करना देखो कल्चरल ट्रांसमिशन यानी जो हमारा कल्चर है संस्कृति है वो आगे जाएगी सोशलाइजेशन में समाजीकरण भाई हमारे समाज के नियम कायदे कानून तौर तरीके हैं ये हमारी संस्कृति है ये चीज आगे जाएगी सोशलाइजेशन में दूसरी चीज होगी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होगी बिल्कुल सही बात है इमोशनल सपोर्ट फिट्स चिल्ड्रन इनटू लेबल्स ये सब बेकार की बातें हैं यहीं पे आ जाएगा डेवलपमेंट में ही ये डी वाला तो ठीक बी ऑप्शन में इंक्लूड हो जाएगा अब देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट आर टीचर शोज टू आइडेंटिकल ग्लासेस फिल्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ इन दैम शी एम टीज इन टू डिफरेंट टॉलर एंड ग्लास वुड है टॉलर ग्लास हैज मोर जूस हर स्टूडेंट हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विथ बच्चों को किस चीज से डील करने में डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है बता दीजिए सब अलग अलग आंसर देंगे इसमें क्योंकि ये भी अपने आप में एक सरदर्द क्वेश्चन है और आप मान भी लेते हैं कोई आपसे कुछ कहे है तो है ना ये दोनों तो होंगे नहीं इसका तो कोई पॉइंट नहीं है इसका आंसर है यानी वो डिसेंटर नहीं कर पा रहा सिर्फ एक पक्ष पे ध्यान है उसका कि ऊंचाई या लंबाई मतलब बड़ा होगा वो ये नहीं देख रहा कि इसमें क्वांटिटी सेम है दोनों में रिवर्सिबिलिटी में जो डिफिकल्टी है उसका भी एक कारण डिसेंट्रेशन ही होता है इसलिए आंसर डिसेंट्रेशन है ना कि रिवर्सिबिलिटी उसको जो कठिनाई हो रही है वो विकेंद्रीकरण में हो रही है अगर विकेंद्रीकरण ठीक हो जाए डिसर वो कर पाएगा दूसरा पक्ष देख पाए तो रिवर्सिबिलिटी हो जाएगी और कई बार फॉर्म चेंज होने में भी रिवर्सिबिलिटी uh, की बात होती है रिवर्सिबिलिटी सिर्फ पलटना नहीं है आगे बढ़ेंगे सी है इसका सही आंसर करनेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसेस ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट विच spends millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which stage of Kohlberg's स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट यानी करवाई या खर्चे के बावजूद भी समर्थन देने के लिए इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है सरकार सारा पैसा डैम बनाने में वेस्ट कर देती है कर्नेल सिंह किस स्टेज में है मॉरल डेवलपमेंट की युद्ध चल रहा है उनका सरकार के प्रति लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं नहीं दे रहे इनकम टैक्स पोस्ट कन्वेंशनल कहेंगे इसको अगर कन्वेंशन को उस टैक्स के लॉ को फॉलो कर रहे होते तो कन्वेंशनल में आ जाते लेकिन नहीं कर रहे और उसके उनके पास रीजन भी है कि गलत कर रही है सरकार मेरे भी इंडिविजुअल राइट right है तो पोस्ट कन्वेंशनल में है फिफ्थ स्टेज है फिफ्थ स्टेज है क्योंकि दुनिया के लिए नहीं लड़ रहे वो अपने लिए लड़ रहे हैं तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स वाली स्टेज है फिफ्थ स्टेज प्री कन्वेंशनल का तो पॉइंट नहीं है यहां तो कोई मोरालिटी होती नहीं और पैरा कन्वेंशनल जैसा कुछ है नहीं आज के लिए आखिरी सवाल इंटेलिजेंस थियोरी इनकॉपरेट्स दी मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंस दैट इज मेटा कॉम्पोनेट्स एंड दी वेरियर एंड दी वेराम इंटेलिजेंस कैन टेक दैट इज क्रिएटिव इंटेलिजेंस मेटा कॉम्पोनेंट और क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात कौन सी थ्योरी करती है क्रिएटिव तो, तो आप देख के समझ ही जाते भाई जी फैक्टर में स्पीय मैंने तो बात नहीं की Sternberg कर सकते हैं सेवन थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस बुद्धि का विद्वान सिद्धांत हमने तो कुछ ऐसा पढ़ा नहीं Thusten की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में की दूर -दूर तक बात, नहीं हुई, बात की ही है और मेटा कॉम्पोनेंट है उनके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस वाले आस्पेक्ट में एनालिटिकल में है प्रैक्टिकल में भी नहीं है तो पीसीए प्रैक्टिकल क्रिएटिव और एनालिटिकल इंटेलिजेंस ये तीन प्रकार की, के अंदर होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर आप ज़रूर करें उससे क्या होगा एक बूस्ट मिलता है और दैट्स इट ठीक आउट ऑफ थर्टी कितने ठीक हुए पहले तो ये बता दीजिए और अभी तैयारी आपकी बेहतर है होपफुली आप तो थर्टी आउट ऑफ थर्टी ही आने चाहिए पैडावॉजी का कोर्स का बता देंगे शायद कल से वो शुरू होंगे ना रजिस्ट्रेशन बता देंगे कोई दिक्कत नहीं है देखो एक बार कल सात बजे से शुरू है वो करियर ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं आप तो आप सभी का धन्यवाद अट्ठारह लोग वॉचिंग और सोलह लोगों ने लाइक किया है दो लोग पार्टी करने आए हैं हैं चलिए होपफुली आपने अपना दिन शांति से बताया होगा पढ़ाई कीजिए दो चार दिन की बात है मैटर करते हैं दो चार दिन ये मत सोचिए कि दो चार दिन में कुछ नहीं होगा कोशिश कीजिए अंत तक जितनी कर सकते हैं ठीक है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए बजाय कि की, ये देखने के कि बारह घंटे आप यूट्यूब पर बैठे हैं कुछ नहीं होने वाला उससे रिविज़न ज़रूर कीजिए जो पढ़ लिया है अब तक ठीक है चलिए फिर कल मिलेंगे टेक केयर कल मैं देखती हूँ या तो कुछ टॉपिक्स रिवाइज कराऊंगी या फिर अभी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस भी हम करें मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने ना अगले दो चार छः दिन चलिए बाय बाय टेक केयर ध्यान रखो अपना ना?